गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में एकदम धांसू रॉक रोलर की अपन अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं। आज मैं इसी रॉक रोलर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि 6x6 भी है और वाटर प्रूफ भी है। ये देखो दोस्तों, इसको मैंने 5000 रुपीज में खरीदा था। कलर काफी ज्यादा जबरदस्त है, व्हाइट एंड ग्रीन कलर वाली है। तो इसके साथ आज मैं फाइट कराने वाला हूँ अपनी RC मिलिट्री ट्रक के साथ। ये भी 6 व्हील ड्राइव मिलिट्री ट्रक है। चलो गाइस दोनों की फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं दोस्तों आज दोनों में से कौन सी कार जीत पाती है। लेट्स स्टार्ट। यू नो गाइस, अपनी दोनों ही कार जो है टेबल के ऊपर आ चुकी है। सबसे पहले किसको अनबॉक्स करेंगे आज, ठीक है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ओके गाइस, इसको अनबॉक्स करेंगे आज। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है IPX4 वाटर प्रूफ RC कार है। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो या फिर इसका प्राइस जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को व्यू प्रोटेक्ट बोलकर ऑप्शन दिखाई देगा, इसका बाय लिंक और ये 6 व्हील ड्राइव मिलिट्री ट्रक का भी बाय लिंक मैंने दे रखा है। वहां से अगर आप चाहे तो दोनों को ही खरीद सकते हो। चलो गाइस बिना वक्त के फटाफट से इसको मैं निकाल लेता हूं बॉक्स के अंदर से बाहर, फिर जाकर फटाफट से दोनों के बीच में फाइट कराएंगे। देखते हैं दोस्तों आज कौन सी कार जीतेगी यहां पर। ये देखो यार, बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं इसको यहां से। ओ भाई काफी ज्यादा वजनदार है और यहां पे लिखा है 6 फुट बीस्ट बोलकर 6 व्हील ड्राइव बर्ड्स ऑफ प्रे। भाई बहुत बड़ा नाम दे रखा है इन लोगों ने। इसको रख दिया मैंने साइड में। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी ज्यादा बड़े साइज का रिमोट कंट्रोलर है। स्टीयरिंग वगैरह काफी ज्यादा टेक्टाइल है। और क्या है देखते हैं यहाँ पर है गाइस इसका एक और बॉक्स, इसके अंदर इसकी बैटरी होगी शायद। अच्छा तो रिमोट में डालने के लिए बैटरीज भी देते हैं ये लोग। 7.2 वोल्ट की बैटरी है मगर NICD बैटरी दे रखी है। आज अपन लोग इसके अंदर लाइपो बैटरी डालकर इसको टेस्ट करने वाले हैं। ये रहा इसका चार्जर। चलो गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं US आर्मी मिलिट्री ट्रक को। आज तक बहुत सारी फाइट जीत चुकी है अपनी US आर्मी मिलिट्री ट्रक। पूरी तरीके से 6x6 है, फुल्ली प्रोपोर्शनल RC ट्रक है ये। यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं। एक बार इसका साइज देखो दोस्तों कितना ज्यादा बड़ा है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस अपने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 3 AA बैटरी इसके अंदर डालनी पड़ती है। इसके साथ मिलती है को लाइपो बैटरी। इसको रख देते हैं साइड में। अभी निकालते हैं अपने ट्रक को यहां से। ये रहा दोस्तों अपना ट्रक। पीछे देखो 4 व्हील्स है, सामने की तरफ 1 व्हील है, यहां पर एक एक्स्ट्रा व्हील दिया हुआ है। सामने से इसका लुक देखो यार क्या ही जबरदस्त। सामने हेडलाइट्स वगैरह भी दी गई है। ये विंडो भी अपन चाहे तो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और यहां पर इसके डोर्स भी है, ये भी देखो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसको भी रख देते हैं यार यहां पर। अभी दोनों के बीच में फटाफट से कंपैरिजन करेंगे। इसका सबसे ज्यादा गजब का फीचर लगा मेरे को ये इसका रोल ओवर केज। देखो यार बॉडी तो यहां पर है इसकी, इसके ऊपर से एक काफी ज्यादा मजबूत केज भी बनाया गया है। ये जो केज है पूरा यहां तक आ जाता है ताकि गाड़ी जो है अपनी बिल्कुल भी डैमेज वगैरह ना हो सके। यहां पर इस तरह का एक मेश दिया हुआ है। अंदर की तरफ देखो यार ड्राइवर एकदम ग्रीन वाला हेलमेट पहनकर बैठा हुआ है। यहां पर इसका वाटरप्रूफ बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। पूरी तरीके से रबर से सील पैक हुआ है। यहां पर इसको ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर भी देखो यार रबर दे रखा है ताकि वाटर वगैरह इसके अंदर जाकर ऑन ऑफ स्विच को डैमेज ना कर सके। यहां पर एक मोटर है, यहां पर एक और मोटर दी गई है। प्रेशन करके देख लेते हैं। नो डाउट अपनी जो मिलिट्री ट्रक है अपनी 6 व्हील ड्राइव RC कार से काफी ज्यादा लंबी है। हाइट तो भाई दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रही है। व्हील्स की बात करें तो यार व्हील्स भी देखो दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके व्हील्स जो है थोड़े से चौड़े मेरे को लग रहे हैं। व्हील्स के अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंस है गाइस, देख सकते हो। इसके जो व्हील्स है थोड़े से हार्ड है पर इसके व्हील्स काफी ज्यादा स्मूथ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो व्हील्स है काफी ज्यादा फिसलने लगते हैं यार जब अपन इसको ऑफ रोड में चलाते हैं। ये एक दिक्कत लगती है मेरे को इस ट्रक के अंदर। साइज तो बिल्कुल सेम टू सेम है पर एडवांस फीचर्स जो है इस रिमोट के अंदर ज्यादा दिए गए हैं। और इसकी स्टीयरिंग भी काफी ज्यादा टेक्टाइल है। इसकी स्टीयरिंग टेक्टाइल है पर थोड़ी सी मेरे को हार्ड लग रही है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं बाहर, कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं आज अपनी मिलिट्री ट्रक जीतेगी या फिर 6 व्हील ड्राइव ऑफ रोड कार जीतेगी। चलो गाइस लेट्स गो। सबसे पहले अपन यहाँ पे 6 व्हील ड्राइव बीस्ट को टेस्ट करने वाले। कार का कलर और आजू बाजू में जो अपने को हरियाली दिख रही है इसके अंदर देखो, और अपनी जो कार है पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी है। कार की कंट्रोलिंग काफी ज्यादा मस्त है। स्टीयरिंग 2.4 GHz का दिया हुआ है, इस वजह से कार को चलाने में बड़ा मजा आता है। 6 व्हील ड्राइव होने के कारण इसकी जो पकड़ है रोड पर काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसकी स्पीड भी मेरे को ठीक ठाक ही लग रही है। अभी अपन यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं मिलिट्री ट्रक को। सच बताऊं तो गाइस इसकी जो कंट्रोलिंग है मेरे को 6 व्हील ड्राइव RC कार से भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि एक फुल्ली प्रोपोर्शनल RC ट्रक है। रिमोट के अंदर ज्यादा कंट्रोल्स होने के कारण इसको अपन काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी लगाएंगे दोस्तों इन दोनों के बीच में रेस। देखते हैं इस रेस में कौन जीत पाता है। जो स्टार्टिंग का इनिशियल पिकअप है 6 व्हील ड्राइव बीस्ट के अंदर काफी ज्यादा दिया गया है, पर अपना मिलिट्री ट्रक भी देखो यार कुछ कम नहीं है। इसको क्रॉस करके थोड़ा सा आगे निकल चुका है। ओ भाई अभी मेरे को लग रहा है कि इसकी टॉप स्पीड अभी 30
किलोमीटर पर आवर तक जा चुकी है। देखते हैं गाइस इसी तरह से आगे आगे चल पाता है या फिर पीछे हो जाता है। सिक्स व्हील ड्राइव ने अभी अपनी स्पीड बढ़ा ली। अच्छा तो इसकी स्पीड जो है थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ती है। ओ भाई इसकी स्पीड देखो 40 किलोमीटर पर आवर तक जा चुकी है। रेस में मेरे को लग रहा है कि क्लियरली अपनी सिक्स व्हील ड्राइव बीस्ट कार जीत चुकी है। चलो गाइस अभी यहाँ पे होगा दोनों की आमने सामने वाली फाइट। देखते हैं पुशबैक में यहाँ पे कौन जीत पाता है। ओहो मिलिट्री ट्रक ने देखो यार क्या जोरदार टक्कर मारी है सिक्स व्हील ड्राइव आरसी कार को। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मिलिट्री ट्रक काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे देख सकते हो सिक्स व्हील ड्राइव पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर यहाँ पे मिलिट्री ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है सिक्स व्हील ड्राइव के मुकाबले में। क्लियरली जीत चुका है अपना मिलिट्री ट्रक। ओके दोस्तों अभी अपन ऑफ रोड में आ चुके हैं। मिलिट्री ट्रक को एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पे टेस्ट करने वाले। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कीचड़ है, सामने बड़े बड़े पत्थर हैं। ओ भाई बड़ा पत्थर आने के कारण ये कीचड़ में पूरी तरीके से फंस चुका है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। काम करते हैं थोड़ा सा इसको रिवर्स ले लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट को कट करके अभी यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओ भाई काफी परफेक्ट तरीके से ये यहाँ से निकल चुका है। काफी तगड़े सस्पेंशन होने के कारण इसको अपन कोई भी टेरेन में चला सकते हैं। तो अभी सेम टेस्ट करेंगे सिक्स व्हील ड्राइव बीस्ट आरसी कार के साथ। इसके भी सस्पेंशन काफी ज्यादा मस्त होने के कारण देख सकते हो और एकदम बड़े बड़े पत्थरों पर से भी अपनी सिक्स व्हील ड्राइव बेस्ट कार चल सकती है। ऑफ रोड चलने के मामले में दोनों के बीच में दोस्तों यहां पर टाई हो चुका है। अभी अपन यहाँ पे दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं दोस्तों। पुशबैक में तो अपनी मिलिट्री ट्रक बहुत ही आसानी से जीत चुकी थी, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। मेरे को लग रहा है कि दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा पावर लगाकर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी ज्यादा गीली होने के कारण देख सकते हो गाइस दोनों के व्हील जो है बहुत ही ज्यादा स्लिप कर रहे थे। अभी मिलिट्री ट्रक ने देखो यार सिक्स व्हील ड्राइव बीस्ट कार को अपनी तरफ खींच लिया है पूरी तरीके से। ओ भाई ये मिट्टी में भी काफी परफेक्ट तरीके से चल सकती है, देख सकते हो क्लियरली अपनी मिलिट्री ट्रक जीत चुकी है पुशबैक में और टग ऑफ वॉर में भी। अभी दोनों के बीच में अपन ऑफ रोड में भी रेस लगाने वाले हैं दोस्तों। जब अपन ने रोड पे रेस लगाई थी अपनी सिक्स व्हील ड्राइव काफी आसानी से जीत चुकी थी, देखते हैं यहाँ पर कौन जीता है। सिक्स व्हील ड्राइव जैसे ही इसके सामने पत्थर आ रहे हैं थोड़ा सा स्लो पड़ रही है अपनी मिलिट्री ट्रक, थोड़ा सा आगे निकल चुकी है सिक्स व्हील ड्राइव के मुकाबले में। अभी देखो यार अपनी सिक्स व्हील ड्राइव वापस से स्पीड बढ़ा चुकी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी स्लोली स्लोली बढ़ने लगती है। अभी देखो यार ये पानी में से भी काफी ज्यादा स्पीड से निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी मिलिट्री ट्रक जिसके सामने जैसे ही पानी आ रहा है थोड़ा सा स्लो पड़ रही है। मिलिट्री ट्रक का वाटर प्रूफ टेस्ट अपन करने वाले हैं। ये ट्रक बिल्कुल भी वाटर प्रूफ है नहीं गाइस, देख सकते हो इसको पानी के अंदर मैंने जैसे ही उतारा ये पूरी तरीके से रुक चुका है। सेम टेस्ट करेंगे अपनी सिक्स व्हील ड्राइव बीस्ट आरसी कार के साथ, देखते हैं ये पानी के अंदर से निकल पाता है या नहीं। इसके भी व्हील्स पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुके हैं। यहां पर ये जो पानी का फ्लो है ना यार बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि देख सकते हो पानी काफी ज्यादा तेजी से कार को बहाने की कोशिश कर रहा है, पर अपनी कार ज्यादा पावरफुल होने के कारण दूसरे किनारे की तरफ आ चुकी है। अपनी सिक्स व्हील ड्राइव कार इस रेस को क्लियरली जीत चुकी है दोस्तों। यहाँ पर करेंगे दोस्तों रेंज टेस्ट, देखते हैं किसका रेंज ज्यादा दिया हुआ है। दोनों के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट अपने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट दोनों ही जो है 50 मीटर दूर जाकर रुक चुके हैं। अरे नहीं यार अपना मिलिट्री ट्रक देखो अभी भी काम कर रहा है, मैं आपको मूव करके बताता हूँ। ये देखो दोस्तों अपनी जो सिक्स व्हील ड्राइव कार है पूरी तरीके से रुक चुकी है। मिलिट्री ट्रक रेंज के मामले में क्लियरली जीत चुकी है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको सिक्स व्हील ड्राइव बीस्ट आरसी कार पसंद है या फिर यूएस मिलिट्री ट्रक पसंद है, नीचे कमेंट करोगे इस फटाफट से अभी कभी। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है रघुवीर, गौतम, धनंजय, अमन, विकास राज, रियाद, तेजस, शाहनवाज, दिलावर, हादी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।